दोस्तों Realme की तरफ से Realme 8 Pro डिवाइस में नवंबर 2022 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी न्यू अपडेट के रिगार्डिंग सभी कुछ आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। वेल दोस्तों Realme 8 Pro डिवाइस में Realme की तरफ से RMX 308111C.24 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। एंड इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में सबसे पहले तो इंटीग्रेट्स द अक्टूबर 2022 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेस। तो आपको यहाँ पे अक्टूबर 2022 के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के बाद। हालांकि अभी नवंबर 2022 का मंथ चल रहा है, और अगर हमें यहाँ पे नवंबर 2022 के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता एकदम लेटेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आपको इस अपडेट के बाद अक्टूबर 2022 के मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस, तो यहाँ पर आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। तो आपको यहाँ पे डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में, ऐप ओपन क्लोज में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे और कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, केवल सिक्योरिटी एंड सिस्टम में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स किया गया था। सिक्योरिटी में अक्टूबर 2022 के मंथ का सिक्योरिटी पैच, और सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया था। बाकी दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, देन वहाँ पर आपको लास्ट में वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको C.24 का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा, और जिन यूजर्स के डिवाइस में C.24 का न्यू वर्जन देखने को नहीं मिला है तो उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, उनके डिवाइस में भी ये न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा, और सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।